जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। पूरी रात काली करी गई है फिर से। एक और दिन, एक और नया एग्ज़ाम हमारा। ये देखो ऐसी कुछ दिखती है, ऐसे कुछ प्रिपरेशन चल रही है हमारी। पहले पैराग्राफ पढ़ो, फिर उसको ट्रांसलेट करो, फिर उसकी ट्रांसलेट का मीनिंग भी जानो ताकि याद रहे मीनिंग उसका। बहुत स्ट्रगल है भाई जीवन में। चलो अब चाय नाश्ता रेडी है, 6:30 हो गए, 1 घंटा पड़ा है हमारे पास निकलने के लिए। फटाफट से खाते हैं पीते हैं, एक बार और रिविजन करनी है पूरी और फिर निकलते हैं। टाइम हो गया 7:57, 3 मिनट में हमारी बस आ रही है। अभी भी रिवाइज करते हुए निकले हैं। मतलब ये लैंग्वेज ऐसी है ना, जितना मर्जी पढ़ लो जब तक आप टीचर के सामने जाके भूलोगे नहीं ना। मतलब जितना अभी तक सीखा है ना उतना ही काम आना है। अगर कुछ रात को सीखने की कोशिश की है ना तो याद रहने नहीं वाला। थोड़ा सा रिवाइज करते करते ही जाऊँगा, 1 घंटा तो ही जाके याद होएगा। आई गई लगता है, यही तो बस है। हाँ ठंड तो है थोड़ी बहुत अभी, बट मीठी ठंड है, अच्छी वाली ठंड है, अच्छी लग रही है ठंड वाली। सही हो जाएगा टेम्परेचर नॉर्मलाइज। आई गई यूनिवर्सिटी, 8:30 ही हुए हैं अभी। टाइम निकालने के लिए आज बस नहीं ली, वापस पैदल ही जा रहे हैं पढ़ते पढ़ते। तो भाई अभी जैसे एग्जाम खत्म करके नीचे आए और जैसे ना जैकेट डिपॉजिट करवानी थी तो जैकेट लेने जा रहे थे, इतने में हमारी मैम आ गई जिन्होंने पढ़ाया था। तो मेरे मार्क्स पूछ के मैंने बोला 87 आए हैं 100 में से। कह रही है शेम ऑन यू, तेरे से तो और ज्यादा उम्मीद थी। अभी पूरा सुना दिया वापस मैम को कि क्या सुना के आया ऊपर। भाई मस्त है मैम, बहुत अच्छी थी हमारी, बहुत अच्छा सिखाया था हमें। रशियन आती है अब थोड़ी बहुत, अब कॉन्फिडेंट है थोड़े से। चलो ये एग्जाम भी हो गया, 87 मार्क्स अब लास्ट बचा, उसके बाद घर। लास्ट टेंशन बची है, अब लास्ट दिन बचा, एक रात और काली करनी है बस लास्ट एग्जाम के लिए, फिर अपना काम खत्म। पर्सनल बस है अपनी, राजो की तरह बैठे हैं। 10:15 हो रहे हैं, 11 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा घर पे। डायरेक्ट बस है, बिल्कुल पास छोड़ेगी अपने को, बढ़िया मिल गई। वेट तो मैं किसी और बस का कर रहा था, ये आगे आगे खड़ी होगी। घर पे जाके पहले एडिटिंग करूंगा, अपलोड करूंगा सारा, ब्लॉग व्लॉग डालना। जो एग्जाम अच्छा हो गया मेरा, दैट्स व्हाट मैटर्स राइट नाउ। वही चाहिए था, फर्स्ट प्रायोरिटी वही थी, एग्जाम अच्छा हो जाए। बस अब लास्ट एग्जाम है, आज और कल पढ़ना है, उसके बाद मेरा 4th ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर खत्म। बस में बैठे बैठे ही नींद आ रही है। 11 बजे एग्जैक्ट। इस वक्त जो एडिट करने में मौत आती है ना, बड़ा ही औखा काम है, करना पड़ेगा। हेलो जी, चाली जी क्या हाल है आपके? ओए ये सही नहीं हो रही, पता नहीं इसको हुआ क्या, समझ नहीं आ रहा हमें तो। ये देखो उसको, ये चालू ही नहीं कर रही कूदना खेलना, थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा बाहर, फिर सही होएगी। आ जा, लिंपिंग है अभी भी, बट चलेगी नहीं खेलेगी नहीं तो कैसे सही होएगी पता नहीं। अंदर ही बैठी है जब से स्नोफॉल हो जाती है, फिर इसको हम बाहर छोड़ नहीं सकते। ये देखो बैठ गई, अब ये आगे स्नो है ना पूरी, इसको दिख रहा है, इसको लग रहा है गीली हो जाऊंगी, ठंड लग जाएगी। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको एडिट किया, बस इसको अब अपलोड पर लगाऊंगा। और मैं सो रहा हूँ, मेरे को नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, ये भी सो रही है, मेरे पास ही सो जाएगी अभी। गुड नाइट। कल रात से अब सोने लगा हूँ मैं भाई, बहुत मुश्किल काम है एडिटिंग वाला, कोई एडिटर बन जाओ मेरा। तो भाई नींदों में से उठा हूँ मैं, 6:30 हो रहे हैं। सोने से पहले क्या हुआ था, वो मेरे जैसे मैंने दिखाया था लास्ट में, वो मेरे साथ सो रही थी स्टैनली, पास में बैठी थी और ऐसे नींदों में थी, तो मैंने कहा चलो सही है उसको बाहर नहीं छोड़ते, सो जाएगी। बट फिर थोड़ी देर बाद वैसे करवटें बदल रही है बार बार, एक साइड से दूसरी साइड जा रही है बेड पे, ऐसे लेट रही है, कुछ आवाज़ कर रही है, उसको कुछ दर्द हो रहा था, ऐसे कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रही थी। तो मैंने सोचा एक बार बाहर छोड़ने की कोशिश करता हूँ लॉन में, कि भाई थोड़ा घूमेगी फिरेगी सही हो जाएगी, बट बाहर गई नहीं, उसको शायद ठंड लग रही थी या जो भी है, बैठ गई वहीं पे। फिर मैंने उसको अंदर ही छोड़ दिया जहाँ पे हम छोड़ते हैं रात को इसको, फिर मैं सो गया। अब नींद खुली एकदम से, नींद उसने बुलाया मुझे बाहर कि भाई ये बाहर आवाज़ कर रही है फिर से, इसको जैसे कोई दर्द वर्द हो रहा है। फिर मैंने भाई बात की, अब फिर इंडिया बात हो गई, बढ़िया बात है कि वेटनरी से। और अब इसको क्या है, कॉन्स्टिपेशन हो गया 3 दिन से, वो ज़्यादा बढ़े ना ना, तो उसके लिए एक पैराफिन सपोजिटरी आती है, वो उसको रेक्टम में इंसर्ट करना पड़ेगा।
पड़ेगा, जैसे अपने अनीमा देते हैं ना छोटे बच्चों को, तो वो देना पड़ेगा इसको। ये तो समझ ही नहीं आ रहा इसका हो क्या रहा है। एक तो वो कोई मसल इंजरी है लेग में, वो हो जाएगी कह रहे हैं सही, धीरे धीरे अपने आप लिम्पिंग सही हो जाएगी, उसकी टेंशन ना लो। बट कॉन्स्टिपेशन बढ़े ना, वो मेन चीज़ है। एकदम से मैं नींदों में उठा, आंखें लाल है मेरी अभी भी। तो इसको लगा देने वाले को लगा मेरे को हेमोरॉइड्स हैं, मेरे से मेरी डोज दे रही थी 2500 mg। मैंने कहा छोटे बच्चों को देते हैं वही है ना, कहती रुक जा फिर अब निकाल के ला रही है। अब मैं इसको बोलूँगा कि बोलूँ भी क्या भाई, कैट को देना, मैंने बोला स्मॉल चाइल्ड को देना 1 साल के, फिर मेरे को हेमोरॉइड्स कर दिए इसने, खा जाएगी। चलो देते हैं अब इसको। एक ये एक एक्चुअली लेग्जेटिव टाइप है, इसको इंसर्ट करना रेक्टम में और अपने आप एब्जॉर्व हो जाएगा और फिर इसको आ जानी चाहिए, मोशन हो जाना चाहिए। खा पी नहीं रही है, जब तक बाहर नहीं आ रहा ना, खाने पीने की वजह से वीकनेस आ रही है, चल ही नहीं रही है बिल्कुल, खा ही नहीं रही है, बैठी है बस, जहाँ बिठा दोगे उठा के वहीं बैठ जाएगी, थोड़ा सा चलेगी 2 कदम और फिर बैठ जाएगी, ऐसे कर रही है अभी। और हमें निकलना भी है, परसों एग्ज़ाम है, उसके अगले दिन मेरे को निकलना है, और पीछे से कोई संभालने वाला नहीं है इसको, वो तो किसी की थोड़ी बहुत खाने पीने की ड्यूटी लगाई है भाई, खाना पीना देना इसको, देते हैं हो जाएगी सही, राधे राधे। अब उठते एक तो टेंशन होगी कि इसको हुआ क्या, एकदम से घबरा गया कि ये एकदम से आवाज़ कर रही है, और वही सब चीज़ें मेमोरीज वापस आती है जो मैंने बताया था कि यहाँ पे एक डॉग था। छोड़ो हो जाए मोशन। बड़ी मुश्किल से इसको इंसर्ट किया है, एक डाला निकाल दे रही है, दो डाले तो भी निकाल दे रही है, और उसको रखना है आधा पौना घंटा, नहीं तो डिजोल्व ही नहीं हो रहा अंदर, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है उसका। बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया है इसको, अब शायद नींद आ गई है इसको, थोड़ी देर एब्जॉर्व हो जाएगा और फिर 1-2 घंटे लगेंगे इसको। भाई यार स्टैनली की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, और अभी एमरजेंसी इंजेक्शन देना पड़ेगा, प्लीज़ भगवान बचा ले बस उसको। इतना सीरियस हो गया काम, उसका मोशन नहीं हो रहा, दिक्कत वो है, और जब तक मोशन नहीं होगा सही नहीं होगी। ओह हो।